वेलकम टू एनपीटेक लर्न। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अब तक हम लोग सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एमसीक्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए बस हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर इफ इट कवर फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी इन 3/5 ऑफ टाइम। What should be its speed to cover the remaining in stated time? तो इसमें देखिए, कोई बस है जो हाफ ऑफ जर्नी जो है, मान लीजिए ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है 80 किलोमीटर है, तो हाफ मान लीजिए इसका 40 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, तो फर्स्ट हाफ बोल रहा है कि 3/5 ऑफ 10 आवर। तो इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, टाइम इज इक्वल्स टू 3/5 × 10, यानी कि कितना लगा, 6 आवर। तो रिमेनिंग जो टाइम बचेगा वो किसको ट्रेवल करने में लगेगा, तो इसको ट्रेवल करने में कितना बचेगा, टोटल 10 आवर लगता है, तो इसमें कितना बच गया, टाइम इज इक्वल्स टू 10 - 6 इक्वल्स टू हो गया 4 आवर। तो इसको ट्रेवल करने के लिए कितना स्पीड से चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम जब आपको पता चल गया तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये 4 आवर, यहाँ से कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ये रिमेनिंग हाफ जो डिस्टेंस है उसको किस स्पीड से वो चलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बॉयज कवर सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल ऑन ए साइकिल हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ही इज लेट बाय 10 मिनट। हाउएवर With an average speed of 20 km per hour, he reaches the school 5 minutes earlier and the distance between his house and school. इसका सोल्यूशन देखिए, इसमें गिवन है, ये मान लीजिए हाउस है और ये है स्कूल, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर। तो फर्स्ट केस में आपको गिवन है ये फर्स्ट में, जब 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, तो इस केस में टाइम कितना लगेगा, टी इक्वल्स टू डी बाई 15 कर दीजिए, इतना आवर लगा टाइम, तो ये क्या होता है, 10 मिनट लेट हो जाता है। तो इस केस में एक्चुअल टाइम कितना होगा, एक्चुअल टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट लेट हुआ है, तो एक्चुअल टाइम के लिए क्या करेंगे, 10 मिनट इसमें से माइनस कर देंगे, डी बाई 15 माइनस 10 मिनट, तो इसको ये आवर में है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 मिनट डिवाइडेड बाय 60, इतना आवर हो गया, ये एक्चुअल टाइम। केस टू में देखिए, जब 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, इस केस में टाइम कितना लगा, t2 इक्वल्स टू डी बाय 20, तो इस केस में एक्चुअल टाइम कितना होगा, एक्चुअल टाइम चूंकि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है तो एक्चुअल टाइम के लिए 5 मिनट इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो डी बाय 20 ये है आवर में प्लस 5 मिनट, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो गया एक्चुअल टाइम। तो दोनों ही केस में देखिए एक्चुअल टाइम को इक्वल कर दीजिए, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको अगर सेकेंड मानते हैं, तो दोनों ही एक्चुअल टाइम है तो इसको इक्वल कर दीजिए, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करने पे क्या होगा, डी बाई 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू डी बाई 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 60, तो यहां से देखिए क्या होगा, ये डी बाई 20 है यहाँ पे, इसको इधर लाइए और इसको इधर भेजिए,
क्या होगा डी बाई डी, अगर कॉमन लेंगे तो 1/50 माइनस 1/20 इज प्लस टू, ये उधर गया तो कितना हो गया 5 + 10 = 15 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया नीचे 60 आ गया, नीचे 60 ऊपर आ गया 4 - 3 इजकल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 60, 60 से 60 कैंसिल, ये 4 - 3 हो गया 1, तो यानी कि यहाँ से डी मिल गया आपको 15 किलोमीटर, तो डी इजकल्स टू आ गया कितना 15 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी रन एट 6 km/h एंड 12 km/h ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 6 km लॉन्ग, व्हेन विल दे मीट द फर्स्ट टाइम इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है कि एक सर्कुलर ट्रैक पे ए और बी एक पॉइंट से ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो इस केस में देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन जब मूव करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है भी रिलेटिव इजकल्स टू, दोनों स्पीड को ऐड कर दीजिए जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कितना हो गया 6 + 12 = 18 किलोमीटर पर आवर। और टोटल लेंथ कितना है इस ट्रैक का, टोटल लेंथ कितना है 6 किलोमीटर। तो ये फर्स्ट टाइम कब मिलेगा, तो लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड कर दीजिए रिलेटिव स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव, तो लेंथ कितना है 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 18 km/h, यहां से कितना आ गया 1/3 hour, यानी कि 1/3 × 60 कर दीजिए तो ये आ गया मिनट में 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया बी। तो ये तो काफी सिंपल सा केस था जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर इसी क्वेश्चन में रहता अगर सेम डायरेक्शन में मूव करता तो उस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए एंड बी रन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 600 मीटर एट ए रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 15 m/s एंड 20 m/s एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, व्हेन विल दे मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये देखिए अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि कोई सर्कुलर ट्रैक है, इसमें किसी एक पॉइंट से ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम ये कब मिलेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इस ट्रैक का जो लेंथ है जितना, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ डी अपॉन वी ए और डी अपॉन वी वी का, यानी कि दोनों का इंडिविजुअल जो टाइम होगा इसको ट्रैक को पूरा करने में उसका एलसीएम निकालिए, अगर दो रहेगा तो दो का एलसीएम निकालिए, तीन रहेगा तो तीन का एलसीएम निकालिए, तो मेथड यही है एलसीएम निकालने का। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हम लोग निकालेंगे कितना, यहाँ पे ट्रैक लेंथ कितना है 600 मीटर, तो इस क्वेश्चन के लिए टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ 600 डिवाइडेड बाय ए का स्पीड कितना है 15 m/s में है, तो ये सेकेंड में आ रहा है और ये भी 600 डिवाइडेड बाय ये हो गया 20, ये भी सेकेंड में आ रहा है,
यहां से देखिए एलसीएम दोनों का निकालेंगे कितना हो गया, ये 40 और ये हो गया कितना 30, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 40 एंड 30 इक्वल्स टू आ गया कितना 120, ये एलसीएम आ गया 120 इतना सेकेंड, तो 120 सेकेंड इक्वल्स टू कितना होता है 2 मिनट, तो इसका आंसर यही हो गया 2 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे 2, 3 या 4 मेंबर भी हो सकता है, तो चारों का एलसीएम निकाल लेना है, 3 रहेगा तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ इतना एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ कार इज 10 किलोमीटर मोर इट टेक्स 2 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार वाज। इस क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है कि कार का ओरिजिनल स्पीड आपको निकालना है, तो कार का ओरिजिनल स्पीड आप मान लीजिए स्पीड भी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है जब ये 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से चलता है, तो व्हेन स्पीड इज इक्वल्स टू वी प्लस 10 देन टाइम कितना लगता है 2 आवर लेस लगता है, तो इस केस में टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस गिवन है 840 डिवाइडेड बाय हो गया वी प्लस 10, जब वी रहेगा तो इस केस में टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाय वी, ये ओरिजिनल टाइम है, और जब इस केस में टाइम निकला है ये कितना 2 आवर लेस लगा है, तो यानी कि 840 डिवाइडेड बाय वी माइनस 840 डिवाइडेड बाय वी प्लस 10, यहाँ पे 10 है इक्वल्स टू 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला है कि 2 आवर कम लगता है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो इसको उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आप ऑप्शन से भी इसको पुट करके देख सकते हैं, तो ये देखिए 80 पुट करने पे क्या हो रहा है, ये नहीं कट रहा है यानी कि पॉइंट में आ रहा है, हमको लाना है 2, तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन, यहाँ पे सी 60 इसमें पुट करने पे ये 2 आ जा रहा है, 60 पुट करने पे कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए 14 आ गया और यहाँ से कितना हो गया ये 70 से कितना हो गया ये 12 हो गया, 14 माइनस 12 आ गया 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है सी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, 6 किलोमीटर इन द सेकेंड क्वार्टर एंड 16 किलोमीटर इन द थर्ड क्वार्टर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज कार इन किलोमीटर पर आवर ओवर द इंटायर जर्नी इज, तो सोल्यूशन देखिए इसका, 8 किलोमीटर जाता है फर्स्ट क्वार्टर में, तो 8 किलोमीटर फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 1/4 आवर, फिर 6 किलोमीटर कितना में जाता है, 6 किलोमीटर जाता है फिर फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर में 1/4 आवर इसमें भी लगता है, फिर देखिए 16 किलोमीटर भी जाता है थर्ड क्वार्टर में यानी कि 1/4 इसमें भी लगता है, तो इसमें आपको निकालना है भी एवरेज, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं कि भी एवरेज इक्वल्स टू हो जाता है भी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, देखिए यहाँ से 16 ये हो गया 30
किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है, तीनों को ऐड कर दीजिए, 3/4, 3/4, तो यहाँ से कितना आ गया, ये ऊपर गया, 10 × 4 हो गया 40, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ द जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द रिमेनिंग बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट बाय साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट इन किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग हिज इंटायर जर्नी इज, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए इसमें गिवन है कि ये कोई डिस्टेंस है, इसका जो हाफ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर से, ये हाफ जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से, फिर हाफ जो बचता है उसका हाफ जाता है 30 से, हाफ का हाफ जाता है कितना से, ये जाता है 30 से, और जो रिमेनिंग बचता है वो जाता है 10 से। ये हम स्पीड लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में आपको बताना है टूरिस्ट का जो है एवरेज स्पीड क्या होगा, द एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। तो इस केस में आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेथड फर्स्ट, फर्स्ट मेथड में हम लोग यहाँ पे एवरेज, भी एवरेज इसका टू लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मान लिए डी है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हाफ जो है डी बाई टू गया है कितना से, 60 से, तो डिवाइड कर दीजिए 60 प्लस, फिर जो डी बाई टू है उसका हाफ जाता है 30 से, यानी कि डी बाई फोर बाई 30 प्लस डी बाई फोर डिवाइडेड बाय 10, ये डी बाई फोर डिवाइड फोर। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके यहाँ से डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 24। तो ये तो हो गया मेथड फर्स्ट, ये बेसिक मेथड है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मिटाते हैं पहले, मेथड टू देखिए, मेथड टू देखिए, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट हमको दिख रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस और यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस है। तो देखिए इस दोनों केस के लिए पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड, ये दोनों देखिए इक्वल डिस्टेंस का केस है, ये आधा और ये आधा है, तो 30 और 10 से जाता है, तो इस दोनों को मिला के एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। तो जब इक्वल डिस्टेंस का केस हमको दिखता है तो उस केस में हम लोग एक फार्मूला देखे थे एवरेज स्पीड का, 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो यहाँ से 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो इसमें पुट कर दीजिए 2 × 30 × 10 डिवाइडेड बाय यहाँ से आ गया 40, तो ये कट गया, यहाँ से हो गया 2 और ये हो गया 15, तो इस केस में आ गया कितना 15। तो इस दोनों का एवरेज मिला के कितना आ रहा है, 15, 15 आ रहा है। अब देखिए ये हाफ डिस्टेंस जा रहा है 60 से, और इस हाफ को हम लोग मान सकते हैं कि 15 से जा रहा है। तो अब इस दोनों केस के लिए एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, दोनों इक्वल पार्ट है, तो 60 और 15 के लिए निकाल दीजिए अब एवरेज स्पीड, इस दोनों के लिए एवरेज स्पीड निकाल दीजिए अब, तो यहाँ से आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई कर देंगे, कितना हो गया 2 × 60 × 15 अपॉन 60 + 15, कितना हो गया 60 + 15, ये हो गया 75। तो 75 को देखिए 15 से काटेंगे, तो
तो कितना हो जाएगा, 5 times कट जाएगा 75, और फिर 5 से इसको काट दीजिए 5, ये 12, तो यहाँ से कितना आ गया 12 into 2, 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सारा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।